नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे है और आज हेल्थ कीपिंग डे है। तो आज जो वीडियो होगा वो हेल्थ के ऊपर होगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश छोड़ के हिंदी में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जाने और समझें, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो श्रोता हैं वो हिंदी भाषी भी हैं। सो उन्हें शायद कुछ इंग्लिश के टर्म समझने में मुश्किल हो, ऐसा नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आएगा पर शायद मुश्किल हो, तो उस चीज़ को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मतलब हटा देना चाहता हूँ। और आज हम बस हिंदी में बात करेंगे, तो अगर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आ जाएँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और बोलने से पहले अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इस कंटेंट को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे विजन से अटैच हो सके। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बी हेल्दी फॉर एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स। जो लोग बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, फिटनेस एथलीट्स हैं, एथलीट्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो हमें पांच चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ध्यान रख सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको, क्योंकि ये डिफिकल्टीज मैंने खुद फेस की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे खुद थी जिसको मैंने एलिमिनेट की है। तो पहला है आपका, अगर मैं आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे स्किन हेयर, इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस एनवायरमेंट में रहते हो, आप कैसा खाना खाते हो। मैं बेसिकली वो बहुत बताना चाहता हूँ जो बॉडी बिल्डर और फिटनेस एथलीट्स जिससे रिलेट कर सके। तो पहला है बोन हेल्थ, हमें हड्डियों की ताकत। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हड्डियों की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डी का हेल्थ एकदम सही रहना चाहिए। कभी कभी यूरिक एसिड की वजह से आर्थराइटिस के पेन्स होते हैं, वो उस टॉपिक में बाद में आऊंगा। तो आपका बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हड्डियां अगर ब्रिटल होंगी तो वो थोड़े से स्ट्रेस में या ज्यादा हैवी एक्सरसाइज से टूट सकती हैं, या फिर उसमें स्प्रेन या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, और आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। जो आप लिफ्ट करते हो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके मोस्टली स्केलेटल मसल्स काम में आते हैं, और स्केलेटल मसल्स वो बोन्स के साथ अटैच रहते हैं। तो आपके बोन्स स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तो बोन्स के हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी चीजें हैं। आपको फिश ऑयल लेना पड़ेगा, आप कैल्शियम ले सकते हो, यू कैन सप्लीमेंट विद कैल्शियम, और आप दूध पी सकते हो, कैल्शियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स खा सकते हो। उससे विटामिन डी लेना जरूरी है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो फिश ऑयल एंड कैल्शियम अलॉन्ग विद विटामिन डी। अगर आप फिश ऑयल नहीं ले रहे, वेजिटेरियन हो, तो फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हो या फिर चिया सीड्स ले सकते हो, उसमें भी ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेस है। नेक्स्ट हम आते हैं बोन्स के बाद मसल्स पे। जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो फट जाते हैं, तो उनकी रिकवरी बहुत जरूरी है। लोग होते हैं जो फास्ट ट्विच मसल्स होते हैं, स्लो ट्विच मसल्स फाइबर होते हैं, जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं उनको आप छोटे छोटे काम के लिए यूज करते हो, तुरंत एनर्जी देते हैं। जैसे समझ लो आप पावर लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइज कर रहे हो, फाइव सेट्स ऑफ फाइव रेप्स ऐसे टाइप के, तो कि फास्ट ट्विच काम में आते हैं जो आपको तुरंत ग्लाइकोजन दे देते हैं। और स्लो ट्विच होते हैं जो आप 3 सेट या फिर 4 सेट कर रहे हो, 15-20 रिपीटेशन के, वो स्लो ट्विच होते हैं। तो आपको दोनों का हेल्थ ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करोगे जिससे बहुत लोग करते हैं तो कि मसल फाइबर्स रिकवर नहीं हो पाएंगे और आपके टीयर्स हो जाएंगे, लिगामेंट्स में टीयर ये सब जो होते हैं ये सब मसल फाइबर्स की वजह से होते हैं, जो स्प्रेन्स होते हैं। बोन और मसल अगर एक साथ कोऑर्डिनेट ना करे, अगर फट जाए, तब इनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्लूटामाइन ले सकते हो जो आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। यू कैन टेक ब्रांचेन अमाइनो एसिड, ये चीजें अगर आप लोगे, और आपको आप कार्बोहाइड्रेट भी खाने चाहिए, आपको सिलेक्टिव कार्बोहाइड्रेट, जो इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको ग्लाइकोजन सप्लाई करेंगे, जिसके भी मसल स्ट्रांग रहेंगे और बहुत देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे। थर्ड इज हार्ट हेल्थ, ये उनके लिए ज्यादा होता है जो बहुत है, बोलते हैं ना, जो बहुत स्पोर्ट रिलेटेड वर्कआउट एक्टिविटीज या फिर कार्डियोवास्कुलर चीजों के साथ एसोसिएट, फंक्शनल ट्रेनिंग जिनके साथ बहुत ज्यादा लोग एसोसिएटेड होते हैं। पार्कर बोल के एक चीज होती है जो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल, जो एक फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है, जिससे आप रिप्ट हो जाते हो, जिससे आप बहुत सारे छोटे 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 मूवमेंट फंक्शनल ट्रेनिंग के एक साथ करते हो, जैसे पुशअप हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया, ये सब एक साथ 7-8 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन होता है कार्डियो बेस्ड, जिससे आपकी स्वेटिंग होती है और जिसके आपके फास्ट ट्विच मसल्स काम में आते हैं। तो हार्ट हेल्थ के लिए आपके आपको जरूरी है कि अगर आप कार्डियो भी करो तो आप एक कंटिन्यूस पेस में मत कीजिए, इंक्रीज इट देन स्टे इन अ पर्टिकुलर टेम्पो फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रेस्ट दीजिए, फिर स्लो हो जाइए, फिर उसको कीजिए। तो इससे आपका फैट भी बर्न होगा और हार्ट पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। और जो लोग बहुत ज्यादा कार्डियोवास्कुलर के साथ एसोसिएटेड है, उनको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत है। आप अंडा खा सकते हो, पर अगर आप हेल्दी फैट्स लीजिए, आलमंड, दीज थिंग्स आर गुड फॉर योर हार्ट। और
बीच बीच में 3-4 महीने बाद आपको अपना ईसीजी करवा लेना चाहिए टू सी कि आपके हार्ट में कोई अबनॉर्मलिटीज है कि नहीं। ये तीसरी चीज। चौथी चीज है लिवर। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज वो खाना पचाने में हेल्प करती है। आप जो चीज खाते हो लिवर से अगर वो एंजाइम्स निकलेंगे नहीं तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जिसके लिवर में प्रॉब्लम होते हैं उनको बताते हैं कि आप वर्कआउट तो फिलहाल मत कीजिए बिकॉज आप जो खाना खाएंगे वर्कआउट को सप्लीमेंट करने के लिए वो खाना आपके अंदर जाके पचेगा नहीं। तो आपका अगर लिवर खराब है आपका चेहरा आपके हर जगह पे वो चीज शो करेगी। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल्स ऑफ क्रिएटिन से होता है। बहुत ज्यादा ऑयली खाना आप खाते हो तो होता है। जॉन्डिस होता है तो होता है। इससे आपका क्या होता है लिवर। बट लिवर लिवर का एक चीज है लिवर कैन रिकवर। वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो आप लिवर रिलेटेड सप्लीमेंट्स लाइक लिव 52 ये सब सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो आप हेल्दी खाना खाइए। ऑयली फूड मत खाइए और बाहर का पानी मत पीजिए। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं हैव बॉइल्ड फूड बिकॉज उससे आपके लीवर को बहुत कम काम करना पड़ता है। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किडनीज जिसकी जिसकी इश्यूज मुझे भी थे बचपन से। 20 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं मैं। तो अगर आपके किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो किडनी की प्रॉब्लम मैक्सिमम एथलीट्स को और बॉडी बिल्डर्स को इसी चीज की वजह से प्रॉब्लम होता है स्पेशली 30s के बाद 30s 40s इन चीजों के बाद। सो आपको अपना यूरिन मॉनिटर करना पड़ेगा। आप जो यूरिन करते हो तो आप जब यूरिन करते हो अब यूरिनेट करते हो आपको देखना है कि आपकी यूरिन बहुत ज्यादा बबल्स फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी यूरिन बहुत ज्यादा बबल्स फॉर्म कर रहे हैं पानी देने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली व्हाइट फॉर्म में नहीं रह रहा है एंड इट्स मेकिंग फ्रॉथ लाइक बबल्स फॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो इसका मतलब है आपकी बॉडी प्रोटीन लीक कर रही है। आपके किडनी सही फंक्शन नहीं कर रहे हैं। एक्सेसिव प्रोटीन यू आर हैविंग। तो अगर आप 140 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो उसको तोड़ तोड़ के खाइए। मेरी फिलोसफी है कि मैं 20 ग्राम के 7 मील्स लूंगा प्रोटीन के और 2 घंटे बाद बाद जिससे मेरी बॉडी को टाइम मिले प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का और वो ब्रेक करके अमाइनो एसिड्स घुस जाए। प्रोटीन से ज्यादा आप अमाइनो एसिड्स पे ज्यादा रिलाई कीजिए बिकॉज दे आर इजी ऑन योर किडनीज। बहुत इजी पड़ते हैं आपके बॉडी में और आपको ब्लोटेड नहीं करते और एंड ऑफ द डे आपको प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स ही चाहिए। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसके बाद आप जब यूरिन मॉनिटर करोगे डू एल्बुमिन टेस्ट विद इन 3 to 4 मंथ। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं बहुत एक्सरसाइज करते हैं इनटू बॉडी बिल्डिंग या फिर जो लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं उन लोग को अपना 3 से 4 महीने बाद पीसीटी इन सब के बारे में बताऊंगा नहीं बिकॉज मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। मैं बस आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने खुद फेस किया है। आप अपना एल्बुमिन टेस्ट करवाइए देखिए आपकी प्रोटीन से एल्बुमिन निकल रहा है। एल्बुमिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो एग में मिलता है और आपकी बॉडी जो उसको रिलीज करती है वो एल्बुमिन होता है। तो ज्यादा एल्बुमिन अगर बॉडी रिलीज करेगी तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया जिससे यूरिन से प्रोटीन निकलता है। तो किडनीज की हेल्थ आप ऐसे ठीक कर सकते हो। अगर आपकी यूरिन में स्मेल आ रहा है लाइक पंजेंट स्मेल बोलते हैं जिसको एक अमोनिया का स्मेल तो आपको 2 से 3 महीने बाद यूरिया क्रिएटिनिन के रेशियो का टेस्ट करवाना पड़ेगा। देखिए वो 1 से कम हो तो अच्छा है 1 से स्लाइटली ज्यादा हो तो ठीक है। बहुत ज्यादा ज्यादा ना हो तो इसका मतलब है आपका प्रोटीन जो आप ले रहे हो क्रिएटिनिन जो टूट रहा है बिकॉज एक नाइट्रोजन लेवल होता है जब आपका प्रोटीन बॉडी में जाके टूटता है तो उसमें अगर इम्बैलेंस हो तो यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो हाई हो जाता है जिससे आपकी किडनीज अफेक्टेड हो सकती है। तो किडनीज हेल्दी रखना है तो एल्बुमिन टेस्ट यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3-4 महीने बाद आपको करना अनिवार्य है और इसके बाद ये सब टेस्ट आप करेंगे तो ठीक है। और डोंट रिलाई मच ऑन डायरेटिक्स। जो लोग रिप्ट होने के लिए डायरेटिक्स लेते हैं जिससे आपका बॉडी पानी छोड़ता है उससे आपकी किडनीज पे बहुत प्रेशर पड़ता है और यूरिक एसिड फॉर्म होता है। अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं होगा तो क्या होता है अमोनिया सबसे सोल्यूबल फॉर्म होता है। जब आपका प्रोटीन टूटता है फिर बनता है यूरिया फिर बनता है यूरिक एसिड। सो अगर आपके बॉडी में पानी कम है तो वो सोल्यूबल हो नहीं पाएगा और वो यूरिक एसिड बनेगा जो किडनीज पे प्रेशर देगा किडनी स्टोन्स बना सकता है और आपके जॉइंट्स में दर्द कर सकता है। तो आपकी बॉडी में जितना पानी होगा लाइक उसके लिए जिन लोगों को प्रोटीन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को पानी पीने बोलते हैं सो दैट वो सोल्यूबल हो एंड अमोनिया इज लेस डेंजरस। सो ये सारी चीजें थी बीट बोन्स मसल टेंडन्स और फाइबर्स टिश्यूज ये 2 चीज फिर हार्ट लिवर और किडनी इन चीजों का ध्यान रखेंगे देन यू कैन सीरियसली लिफ्ट मोर वेट और आपकी बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। कि बहुत लोग बस खाने में वर्कआउट रूटीन्स कैसे खाना चाहिए क्या करना चाहिए क्या क्या वर्कआउट प्लान देना चाहिए क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए क्या स्टेरॉइड लेने चाहिए इन सब पे बिलीव करते हैं। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये 5 फंक्शंस अगर आपके बॉडी के ठीक रहेंगे तो आप 10-15 साल तक भी वर्कआउट कर सकते हैं इजीली उससे उसके बाद भी और आपकी बॉडी में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो थम्स अप दीजिए और मैं कल आपके लिए और एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें हम
बॉडी बिल्डिंग ऑन अ बजट के बारे में बात करेंगे, वो भी मैं हिंदी में बनाऊंगा जिससे सब जान सकें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी मैजिकल चीजें हैं जो खाने के बाद आप मसल गेन कर सकते हो, मास गेन कर सकते हो फैट के बिना। और ट्रस्ट मी, जो चीज लोग बोलते हैं उन चीजों से हटके है, जिन लोगों के बारे में, जिन चीजों के बारे में लोगों को नहीं पता। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, उस तब तक गुड नाइट।